किसके पास शक्ल है और तुम्हारे पास ही है। सो गाइस, आज हमारा अतरंगी फूड खाने का मन कर रहा है, तो आज के मेन्यू में हम ढेर सारा अतरंगी फूड लेके आए हैं, जिसे हम स्ट्रीट फूड भी कहते हैं। ये सभी खाना घर पर ही बनाया गया, कोई मार्केट से नहीं लेकर आए हम। तो बता देते हैं आज हमारे मेन्यू में क्या क्या है। आज हमारे पास है वेज चीज पिज्जा, और इधर है स्वीट कॉर्न पिज्जा, और ये है स्टफ कुलचा, और साथ में हमने ले रखे हैं मैकरोनी, और इधर है साबूदाने की टिक्की, और इधर है नूडल्स, और ये स्टफ दही वाले गोलगप्पे। तो गाइस, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी ऐसा फूड खाने की, तो हमने सोचा कि मार्केट से क्यों लाए, तो हमने घर पर ही तैयार कर लिया ये सब कुछ। हे गाइस, भूवी डी शो पे आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के इस मजेदार से खाने को करते हैं एंजॉय। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर चलो करते हैं स्टार्ट खाना। पहले शुरुआत करते हैं, हम कहाँ से करें? पहले हम स्टफ कुलचा से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले करते हैं स्टफ्ड कुलचा। तो देख सकते हैं आप, ये घर पर सिका हुआ है। तो ये गाइस घर पर ही पूरा तैयार किया गया है, होल व्हीट बंद है ये, उसमें आलू की स्टफिंग की हुई है। तो पहली बाइट टेस्ट करते हैं इसकी कैसा बना है। बहुत ही मजेदार बना है गाइस। इसका बंद मैंने पहले भी बताया, आटे का बना हुआ है, कोई मैदा नहीं यूज कर रहे। बहुत ही टेस्टी है। चिप्स के बारे में बताना ही भूल गए, और वो साइड में हमने चिप्स ले रखे हैं। तो गाइस अब करते हैं टेस्ट दही वाले गोलगप्पे, जल्दी से ट्राई कर लेते हैं ताकि ये सोगी ना हो। क्रंच अभी तक आ रहा है गाइस, इसका मतलब है ये सोगी नहीं हुए। मोस्टली हमारे सोगी हो जाते हैं। ये भी घर पर तैयार किए हैं, बहुत ही टेस्टी। ये सो गए होंगे कुछ कुछ सो गए होंगे। बट स्टिल टेस्टी। गाइस, आज आपको इतना सारा फूड देख के भी मजा आ जाएगा। दही वाले गोलगप्पे खा के मजा आ गया आज। तो देख सकते हैं कैसे हैं। हम्म,
तो चलो अब हम पिज्जा ट्राई करते हैं। तो ले लेते हैं पिज्जा को। तो कुछ ऐसा है पिज्जा देखने में, मेरा तो स्वीट कॉर्न वाला है ना, तुम दिखा दो। मेरा फुल्ली वेज है, फुल्ली वेज वेजिटेबल्स है ये गाइस। इसका आप बेस देख सकते हैं, फुल होल व्हीट का बना हुआ है। मेरे में वेजीज ज्यादा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है होल व्हीट वाला, तो एक्चुअली हेल्दी भी है ये। बेस हमने घर पर ही तैयार किया है पिज्जा का, मैदे वाले से ज़्यादा टेस्टी ये है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि हम खाते वक्त बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अगर गाइस हम एंटरटेन नहीं करते, कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि आप बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो वो कहते हैं आप क्यों बोलते हो, कहाँ जाएं हम। पिज्जा थोड़ा सा ठंडा हो गया। जली है। साइड थोड़ी सी जल गई। मैंने का नया आविष्कार किया लेज वाला पिज्जा।
तो चलो अब साबूदाने की टिक्की को टेस्ट करते हैं, कैसा टेस्ट है इसका। ये भी सौगी हो गई है बट बहुत टेस्टी है। इसको देसी घी में बनाया गया है। इसमें पीनट का भी टेस्ट आ रहा है, साबुत पीनट डाले लगते हैं। बहुत ही टेस्टी है, कुछ दिखने में ऐसी है साबूदाने की टिक्की। तो एक टिक्की बच गई है। हाफ आप खाओगे पूरी? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ले लो हाफ, ये वाली खा लो, मैं ये खा लूँगा, इसमें चिप्स लगा के खाऊंगा। चीटिंग? चीटिंग क्यों? तो मैं दे रहा हूँ हाफ, तुम हाफ में। चिप्स के साथ अच्छी लग रही है, क्रंचीनेस बढ़ गया। क्रंची हो गया। तो अब जल्दी से फिनिश करते हैं कुलचा। सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। मुझे तो आप, इसका बेस भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। चाहिए है? हाँ क्या, स्टफिंग चाहिए, क्रंच चाहिए ना, इसके अंदर स्टफिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर ऊंचा हो जाएगा, निकाल लो फिर। अरे ऐसे आप भी मत छेड़ो, बाद में कर लेना। तो पहले आप क्या खाए, नूडल्स या मैक्रोनी? तो पहले नूडल्स ही खा लेते हैं, नूडल्स फिनिश करते हैं। तो गाइस ये घर पे ही बनाए हैं नूडल्स हमने, आपको देखने में इसकी शक्ल से पता लग रहा होगा, मार्केट वाले। इसके पास शक्ल है और तुम्हारे पास ही है। तो चलो अब टेस्ट करते हैं नूडल्स। नूडल्स होममेड।
टेस्ट अलग ही आ रहा है। बने हुए हैं। तो अब बारी है मैक्रोनी की, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नूडल्स ना एकदम क्रीमी बने थे आज। बहुत टेस्टी बने थे, क्रीमी। इतने खाई नहीं आ रही। हाँ, फॉक्स से खाने बड़ी मुश्किल है। दो तीन दिन आ रहे। मेरी मैक्रोनी तो हो चुकी है फिनिश, थोड़ी सी रह गई नैना की।
तो गाइस आज का खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी था। हम तो हो चुके हैं पूरी तरह से फुल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे जल्दी, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।